यो आइंस्टाइन तारा भाई, आइंस्टीन आज इतनी तगड़ी रिएक्शन कर देगा, इतनी आग लगा देगा, न्यूटन के मामले ने भी नहीं सोची होगी। और ये जितने भी गैलीलियो के भतीजे बने फिर रहे ना, एक बात सुन लो पहले, इस वीडियो में दिखाए गए एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही खतरनाक है और ये बहुत ही कंट्रोल एनवायरमेंट में प्रोफेशनल के द्वारा किए गए हैं। मुझे मटेरियल इंजीनियरिंग का काफी नॉलेज है और मुझे पता है मटेरियल को कैसे हैंडल करना। आपको नहीं पता होगा तो प्लीज इस वीडियो में दिखाई गई किसी भी चीज को ट्राई मत करना। गाइस साफ साफ बता रहा हूं, कुछ भी ट्राई मत करना, क्योंकि जो आज होने वाला है वो बड़ी ही खतरनाक चीज हो सकती है अगर सही से हैंडल ना किया जाए तो। और आपको ये वीडियो हम दिखा रहे हैं सिर्फ आपके एजुकेशन और नॉलेज पर्पस के लिए, ताकि आपको भी ये पता रहे कि भैया ऐसी भी चीज़ें होती हैं, इस तरीके से भी चीज़ें काम करती हैं, और जिन चीज़ों का यूज़ हम नॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स में या डेली लाइफ में भी करते हैं वो भी क्या कर सकती है। तो भाई साहब आज जो है आप समझ ही गए होंगे। अब बिना देरी किए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के लिए जो लाइक का बटन है वो जरूर से दबा देना, और फिर कह रहा हूँ ट्राई मत करना, ये मेरी गारंटी है कि वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ आप सीखने वाले हो। तो इसीलिए मेरे कहने पर, आपके भाई के कहने पर वीडियो के लिए लाइक जरूर से कर देना। और यार जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया हमारी फैमिली में जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, फटाफट से हमको भी थोड़ी और ताकत दीजिए, हमारे हाथ मजबूत कीजिए। तो फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो केमिकल बेस्ड होने वाली, यानी कि केमिकल रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी, और जिन केमिकल्स का हम यूज करेंगे वो है यहां पर। और ये जो दोनों चीजें हैं ये आपस में वैसे ही बड़ी खतरनाक है, मतलब अपने आप में ये जो है बहुत खतरनाक हो सकती है। ये तो है हाइड्रोजन परोक्साइड 50% हाइड्रोजन परोक्साइड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो नॉर्मली हॉस्पिटल वगैरह में यूज़ होती है, जो हमारे वाउंड्स पे या घाव पे लगती है साफ करने के लिए, वो 3-5% होती है, जबकि ये जो है 50% है, बहुत पावरफुल है। और दोस्तों ये है द किंग ऑफ एसिड्स, यानी कि एसिड्स का राजा, सबसे पावरफुल एसिड में से एक सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड 98%। यानी कि ये चीज़ ऐसी है कि ये जहाँ भी गिर जाएगी उस चीज़ को ख़त्म कर देगी, जला देगी। लेकिन फिर भी इसकी भी अपनी लिमिट है और इसकी भी अपनी लिमिट्स हैं, लेकिन हम जो चीज़ बनाएंगे उसके पास में कोई लिमिट नहीं है। वो हर चीज़ को इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है कि आप अभी देख ही लोगे, और एसिड जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन जो चीज़ें हम बनाने वाले हैं इनका यूज़ करके, वो ऑर्गेनिक मटेरियल को बहुत फास्ट स्पीड से डिस्ट्रॉय करेंगी। और इवन जो इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जैसे कि मेरे एक ग्लव्स है, अब मान लो एसिड पे ग्लव लग गया कुछ नहीं होगा, लेकिन उसमें अगर ग्लव भी लग गया तो वो ग्लव को भी ख़त्म कर देगी, आग लगा देगी, जला डालेगी। और इवन अगर उसमें पन्नी यानी कि पॉलीथीन भी गिर गई ना, वो उसको भी उड़ा देगी। आप लोग समझ रहे हो, जो पॉलीथीन होती है वो कई सौ हज़ारों साल पड़ी रह सकती है लेकिन ख़राब नहीं होती। सबको पता है एक बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किस तरीके से पॉलीथीन जो है उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन जो चीज़ हम आज बनाने वाले हैं वो चीज़ पॉलीथीन को भी ख़त्म कर सकती है। तो अब सीधा आते हैं एक्सपेरिमेंट के ऊपर। भाई देखो ये जो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं आपको, ये सिर्फ आपको एजुकेशन के लिए दिखा रहे हैं, फिर से बता रहा हूँ ऐसा कुछ भी मत बनाना, ठीक है। तो अब हमको चाहिए एक बीकर। तो गाइस सबसे पहले तो मैं जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको इस बीकर में डाल रहा हूँ, और बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड अमाउंट में हमको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। एसिड हो गया और उसकी बहुत छोटी ड्रॉपलेट मेरे यहाँ कहीं गिर चुकी है और मेरे हाथ पे जलन हो रही है, जबकि वो आँखों से नहीं दिख रही है। अब जो हाइड्रोजन परोक्साइड है जो कि H2O2 होती है, वो डाल रहा हूँ मैं इस ग्रेजुएटेड सिलेंडर में, और सब कुछ बहुत ही नाप तोल के करना पड़ेगा। और इसमें मैं मिक्स कर रहा हूँ पानी, लेकिन गाइज यहाँ पर मैं क्वांटिटीज़ बता नहीं रहा कि कितना मैंने क्या लिया है जानबूझ के। और भाई अब इन दोनों केमिकल्स को मिक्स करेंगे। एक बात और बता दूं कि अगर इनको एक साथ अभी मिक्स कर दिया जाए तो इसमें धमाका भी हो सकता है, ये फट भी सकता है, एसिड फैल सकता है। इसको बहुत ही स्लोली और बहुत फास्ट हिलाते हुए मिक्स करना पड़ेगा, बड़े ही ध्यान से। तो गाइज यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हो मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है, और आप देखो ये उबल रहा है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रही, मतलब रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन, ये वैसे नहीं है कि रिएक्शन से बबल निकल रहे, नहीं, ये बॉइल कर रहा है और उसकी वजह से उबल रहा है।
और ये इतना ज़्यादा गर्म है फिलहाल। देखो मैं आपको टेम्परेचर दिखाता हूँ, पहले टेबल का टेम्परेचर दिखाता हूँ आपको, 35 डिग्रीज है ठीक है। अब गिलास का दिखाता हूँ कितना भाई, 121 डिग्रीज है। उबलता हुआ खोलता हुआ पानी 100 डिग्री पे होता है, उससे भी ज़्यादा गर्म है, सुपर हॉट हो गया है। तो अब आप देखना कि क्या होता है यहाँ पे। मैं डाल रहा हूँ इसमें एक पत्ता, बड़े ध्यान से, ये गया इसमें पत्ता, और गाइस देखा आप लोगों ने, जो पत्ता है गया, पत्ते का कोई नामो निशान तक यहां पर नहीं है। नीचे से दिखाओ एक बार, और जो सॉल्यूशन है वो साफ हो चुका है। पहले ये कलर हुआ इसमें थोड़ा सा येलोइश सा कलर आया, आय हाय गर्म है, लेकिन अब आप लोग देखो ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसमें मान लो कि मैं अगर एक दो दूसरे पत्ते ट्राई करता हूँ, इस बार जो है मेरे पास दो पत्ते हैं अलग अलग, इनको डालते हैं और आप लोग देखना, देखो 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 देखो, ध्यान से रहना भाई। वाओ गाइस, इसकी ये जो फ्यूम है इससे दूर रहना भाई। गाइस देख रहे हो आप लोग, देखो ये पत्ता जो ऊपर रह गया बस ये बचा है। एक काम करते हैं इसको भी नीचे डाल देते हैं, और देखो जैसे ही कॉन्टैक्ट में आता है वैसे ही खत्म, पत्ता गायब। तो गाइस चिप्स डाल रहा हूं इसमें, ये गई, और ओ भाई देखो 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 खत्म, चिप्स जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अभी रिएक्शन कर रही है, ब्लैक ब्लैक ऊपर से दिख भी रही है, एक बार ऊपर से भी दिखाना। देखो देखो ये जो है चिप्स को किस तरीके से खा रहा है, इसका साइज छोटे हुए जा रहा है और पूरी काली हो गई है। गाइस क्या बात है यार, अल्टीमेट चीज़ है ये, और इस सॉल्यूशन को बोलते हैं दोस्तों पिराना सॉल्यूशन। यहाँ पर अब ये मेरे पास में एक लेटेक्स ग्लव है, यानी कि रबर का ग्लव है नॉर्मल जो कि होता है एग्जामिनेशन ग्लव, इसको मैं डाल रहा हूँ इसमें और देखते हैं क्या होता है। मैंने डाला ग्लव, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ है, ग्लव पूरा डूबा नहीं है, मैं डूबा देता हूँ, और भाई साहब अब सोचो कि जब इसने ग्लव का ही ये हाल कर दिया है, उत्तरी उत्तरी बाहर मत निकलना, तो ये ग्लव हमको क्या बचाएगा इस केमिकल से। तो भाई एक बार फिर से यहां पर हमने पिराना सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, लेकिन इस बार ये काफी ज्यादा है अमाउंट में, और अब इसमें डालते हैं और चीज। हमारे पास में एक प्लास्टिक की बॉटल है, एक भिंडी है काफी मोटी होती है भिंडी, एक हमारे पास में आलू बुखारा है जो कि काफी बड़े साइज का है, और एक हमारे पास में पॉलीथिन है जो कि कहीं नहीं गलती। तो पॉलीथिन से स्टार्ट करते हैं, और गाइस सोचो पॉलीथिन को अगर ये गला देगा तो कितनी कमाल की बात होगी। तो भाई साहब ये गई इसमें पॉलीथिन, पॉलीथिन को इसमें डुबाते हैं, और गाइस देखो आपके सामने जो पॉलीथिन है, जो पन्नी है, वो उसका क्या हाल हो गया है। और अभी थोड़ी देर ये इसमें रहेगी तो ये जो है खत्म हो जाएगी ऑलमोस्ट। क्या बात है, एक काम करते हैं प्लास्टिक के साथ में बाद में ट्राई करेंगे, पहले भिंडी डालते हैं इसमें, ऑर्गेनिक मटेरियल है पूरा, और भिंडी गई, और भाई साहब देखो मतलब कि कैसे रिएक्शन करता है भाई साहब ये, ओ तेरी। अब इसमें जाएगा आलू बुखारा, बड़े ध्यान से डालना पड़ेगा, ये लो गाइस आलू बुखारा, ओए 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 ओए, पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे, इसका छींटा नहीं लगना चाहिए भाई। भाई साहब इस बार ओवरफ्लो हो चुका है, और यार ये केमिकल क्या चीज है। अब यार आलू बुखारा की तो वाट लगा डाली इसने। एक काम करते हैं ऐसे कि ऐसे इसमें ये बॉटल भी डाल के देखते हैं, वैसे इसका पावर कम हो चुका है अभी, लेकिन फिर भी मैंने इसमें डाल दी बॉटल, ठीक है गाइस। प्लास्टिक की बोतल है, डूबी हुई है आपके सामने, डूबी हुई है अभी भी। बोतल कहाँ जा रही है सोचो। जो बोतल है वो गाइस पूरी की पूरी अंदर घुस चुकी है इसमें, और देखो क्या बात है।
लेकिन गाइस जितना मज़ेदार ये दिखता है ना, उससे कहीं ज़्यादा ध्यान भी रखना पड़ता है। तो गाइस देखो, ये बॉटल थी, इसमें ऐसे कैसे पड़ी हुई थी, और मैं इसको हिलाता हूँ, और भाई साहब देखो जो बॉटल है अब वो इसमें कहीं नहीं है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स रह गए हैं, और इसने बॉटल को पूरी तरीके से गला करके अपने आप में डिसॉल्व कर लिया है। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये सब क्यों हुआ है, इसके अंदर ऐसा क्या है कि ये हर चीज़ को खा जा रहा है, खासकर ऑर्गेनिक चीज़ों को, यानी कि फल सब्जी पत्ते इतना जल्दी। देखो एसिड जो होता है वो भी ऑर्गेनिक चीज़ों को ख़राब करता है, जैसे आप कोई पेपर डाल दो, पत्ता डाल दो, थोड़े से टाइम में वो उसको काला कर देगा, लेकिन ये काला नहीं करता, ये तो उसको पहले काला करता है और उसके बाद में ख़त्म ही कर देता है, सॉल्यूशन एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इस केस में अभी नहीं हुआ क्योंकि इसमें जो परोक्साइड और वो है उसका सॉल्यूशन वीक हो गया, हमने पहले आलू बुखारा ही डाल दिया था पूरा, तो ये ट्रांसपेरेंट क्यों हो जाता है। देखो एसिड जो है वो किसी भी चीज़ के अंदर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उसको निकाल लेता है, पानी बना देता है, और जो कार्बन है वो बच जाता है, तो ब्लैक ब्लैक बन जाता है। लेकिन जब इसके साथ में हाइड्रोजन परोक्साइड मिल जाती है, वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग वाली, तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज़र इसमें मिल जाता है, और वो क्या करता है कि वो जो बचा हुआ कार्बन भी था ना, जिसको एसिड ने कार्बन बनाया था, उस कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड बना करके हवा में उड़ा देता है। यानी कि साफ साफ भाषा में हमारी जो भिंडी है वो कहाँ है फिलहाल, सारी की सारी भिंडी, उस भिंडी का जो पानी है वो पानी तो इसके अंदर है, और जो भिंडी है उसका कार्बन सारा उड़ चुका है, यानी कि आधी भिंडी उड़ चुकी है और आधी भिंडी जो उसके अंदर पानी था वो इसमें रह गया है। ये रियलिटी है, भिंडी जा चुकी है, खत्म हो चुकी है, उड़ के जा चुकी है, एनवायरनमेंट में मिल चुकी है ना, खतरनाक चीज़ है लेकिन काफ़ी मस्त भी है। तो भाई वीडियो के लिए लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मज़ेदार वीडियोस के लिए कर लो यार, और मेरी थोड़ी सी जो है तबीयत हल्की सी डाउन है, इसलिए थोड़ी आवाज़ आपको कुछ अलग आई होगी, तो उसके लिए भी कोई नहीं यार, बना रहे हैं वीडियोस तो आपके लिए, ठीक है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, लाइक शेयर करना भूल मत जाना। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।